हेलो दोस्तों, एम के एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज वापस से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नया अपडेट लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों, अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट का, यानी कि दोस्तों आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एक और रिजल्ट अभी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, क्या इसका कट ऑफ रहा है, कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया है, वो सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस है आरपीएससी का, आज का 12/8/2024 का, वो आ चुका है। और दोस्तों, ये रिजल्ट अभी जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों, म्यूजिक वोकल का ये जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया, वो मैं आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 54 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर पास किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर 12 पोस्टें थी और 54 कैंडिडेट में अगर हम 12 का भाग देते हैं तो लगभग 4.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए हैं। तो दोस्तों, म्यूजिक वोकल के लिए यहाँ पर 4.5 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है और इन कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये जो कैंडिडेट है उनको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस साइट से उनको एक फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको भरना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो आरपीएससी कार्यालय है वहाँ पर 27/8/2024 को शाम को 6 बजे तक आवश्यक रूप से ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो भिजवाना है। उसके बाद में इनका जो एडमिट कार्ड है इंटरव्यू का, वो जारी किया जाएगा और वो डेट जो है बाद में जारी की जाएगी। और दोस्तों, अब जो है हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, म्यूजिक वोकल की। तो दोस्तों, जो म्यूजिक वोकल है उसका जो कट ऑफ है आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, इसमें जो जनरल का जो कट ऑफ है वो मेल का और फीमेल का दोनों का दोस्तों यहाँ पर 78.37 पे कट ऑफ रहा है। वहीं दोस्तों, एससी का जो कट ऑफ है जनरल यानी कि मेल का, वो 78.37 है जनरल के बराबर। और एससी की जो फीमेल है उसका 62.46 पे यहाँ पर कट ऑफ है। और एसटी का जो कट ऑफ है जनरल वीमेन का यानी कि यहाँ पर महिला का, वो 26.83 पे यहाँ पर कट ऑफ है। काफ़ी कम कट ऑफ है दोस्तों। ये सारा कट ऑफ यहाँ पर 200 नंबरों में से जारी किया गया है, आप देख सकते हो कितना कम कट ऑफ है। और ओबीसी में दोस्तों मेल का और फीमेल का दोनों का बराबर है 78.37 यानी कि जनरल के बराबर। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों यहाँ पर जो मेल है उसका 78.37 पे गया है और इसमें फीमेल कैटेगरी का कोई कट ऑफ नहीं है। तो दोस्तों, ये सारा कट ऑफ यहाँ पर 200 में से जारी किया गया है। और यहाँ पर पीएच कैटेगरी में लगभग 77.55 पर जो इसका जो कट ऑफ है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है, जो कट ऑफ की वीडियो मैंने बताई थी उस समय। और फिर कह रहा हूँ दोस्तों, मैं इस बार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कट ऑफ है सभी सब्जेक्ट का काफ़ी कम रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 में से केवल 26 पर जो एसटी का कट ऑफ है वो रहा है, यानी कि दोस्तों जो काफ़ी कम नंबर लाने वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर पास हो चुका है। अब दोस्तों, बात करने वाले हैं जिन कैंडिडेट को यहाँ पर एग्जाम से बाहर किया गया है, यानी कि जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर जो पाँचवा विकल्प नहीं भरा था ओमआर में, उन 3 कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है इस भर्ती से। तो दोस्तों, उनके ये रोल नंबर यहाँ पर जारी कर दिए हैं आरपीएससी ने। और दोस्तों, ये जो मसला है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है निकल करके, कि जो पांचवा ऑप्शन जो कैंडिडेट भर नहीं रहे हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आरपीएससी और आरएमएसएसबी में दोनों में ही ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि जो भी कैंडिडेट ओमआर में पाँचवा ऑप्शन नहीं भरेंगे उनको जो वैकेंसी है यानी कि ये जो भर्ती है उससे बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप ध्यान रखें, और बाकी के जो रिजल्ट है वो आरपीएससी जल्दी जारी कर देगी, उनका भी वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।